हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस में सेलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको GST रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दिया ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि GST रजिस्ट्रेशन कैसे करें ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 को 7 में रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसीजर है ये। स्टेप वन है, आपको GST.gov.in में आपको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाके सर्विसेज मेनू में जाके रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आपको डिटेल्स फिलअप करना है, जिसमें ईमेल आईडी पान नंबर देके आपको फिलअप करना है। फिर आपको टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, TRN आपको ईमेल आईडी में मिल जाएगा। फिर विद इन 15 डेज आप वो TRN से आप लॉगिन कीजिए, ताकि आप अपना GST रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और आपको डिटेल्स देकर आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए कि आपका फॉर्म है फॉर्म 7, GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7। सेलर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंडेटरी हो गया कि GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 में आप रजिस्टर कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रेंट में अगर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ में आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप GST.gov.in वेबसाइट में जाइए। देखिए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सकते हैं तो आप खुद कर लीजिए, नहीं तो आप टैक्स ऑफिसर से जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई CA से आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, GST का मेनू आ गया, वहाँ पे आप जाके सर्विसेज में आके रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। अगर आप ई कॉमर्स में बिजनेस करते हैं तो GST रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है फ्रॉम 7 में, और आपका टर्नओवर अगर 10 लाख से भी कम तो है, फिर भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, आपका बिजनेस अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप बिज़नेस स्टॉप करना पड़े, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब खोल चुका है, वहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में आप टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका स्टेट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, लीगल नेम ऑफ द टैक्स कलेक्टर आपका पान में जो नंबर है वो आप नेम दीजिए, फिर परमानेंट अकाउंट नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए, एंड देन आप प्रोसीड कीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर देके आप कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड देके आप प्रोसीड कीजिए। फिर आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, उससे फिर से आप लॉगिन कीजिएगा। आप सर्विसेज में जाके सेम प्रोसीजर, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके टेम्पोररी रेफरेंस नंबर में आपका टेम्पोररी रेफरेंस नंबर दीजिए, कैप्चा दीजिए, प्रोसीड कीजिए। फिर आपको OTP आ जाएगा ईमेल या मोबाइल में, सेम OTP आएगा, वो OTP आप पेस्ट करके आप प्रोसीड कीजिए। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे माय सेफ्ट एप्लीकेशंस में आपका GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 है, जो कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज टैक्स कलेक्टर एट सोर्स। अभी आपको विथ इन 15 डेज आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है, तब आपका GST नंबर आ जाएगा विथ इन 3 वर्किंग डेज। फिर आप एक्शन में जाके क्लिक कीजिए, एडिट ऑप्शन में। फिर आपका कुछ ऐसा टैब आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा, फर्स्ट टैब है बिजनेस डिटेल्स, नेक्स्ट है टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, नेक्स्ट है ऑथोराइज सिग्नेटरी, नेक्स्ट है ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स कलेक्टर, एंड लास्ट है वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपको देना है प्रोपरेटरशिप, अगर आप सिंगल सेलर तो आपको प्रोपरेटरशिप देना है, ठीक है। अभी आपका डेट ऑफ लाइबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स आपको देना है डेट। सपोज आप मान लीजिए कि 2 महीने बाद आप स्टार्ट करने वाले ई कॉमर्स में, तब उस डेट देना है जब से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ई कॉमर्स में, तब वो दिन का डेट देना है, ठीक है। आपको अभी ज्यूरिस्डिक्शन डिटेल्स फिलअप करना है, स्टेट दिया आपने, डिस्ट्रिक्ट दिया, स्टेट सर्कल वार्ड दिया, कमिश्नर कोड दिया, डिवीजन कोड दिया, रेंज कोड दिया, ये सब आपको गूगल पर मिल जाएगा। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप है टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर का डिटेल्स देना है, आपका खुद का देना है, फर्स्ट नेम दीजिए, मिडिल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन दीजिए, फिर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर दीजिए, पासपोर्ट नंबर अगर है दीजिए, आधार नंबर है अगर दीजिए, फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस दीजिए, ठीक है, बिल्डिंग, रोड, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस देके आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपका पासपोर्ट फोटो देना है, पासपोर्ट फोटो देके आप अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट, एंड देन 7 कंटिन्यू कर दीजिए।
फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए ई कॉमर्स में? आपका फ़ोटो चाहिए, रेंट एग्रीमेंट, एड्रेस प्रूफ के, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। आपका नेक्स्ट स्टेप है ऑथोराइज सिग्नेट्री। यहाँ पे आपको ऑथोराइज सिग्नेट्री का मतलब है कि आपको कोई कोई ऑथोराइज पर्सन का डिटेल्स देना है यहाँ पे, से कि CA या फिर टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर जो आपको जानते हैं उनका डिटेल्स यहाँ देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, पान नंबर देना है, डेजिग्नेशन देना है, नेम देना है, फिर उनका फ़ोटो एक आपको अपलोड करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप है ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स कलेक्टर। आपका एड्रेस दे दीजिए, बिल्डिंग, हाउस, फ्लोर नंबर, रोड, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, अगर आप रेंट में हैं तो रेंटेड दीजिए, लीस्ट में है तो लीस्ट दीजिए, खुद का है तो ओन दीजिए, ठीक है। देने के बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप से इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका आपका खुद का है तो आप ओन वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रूफ एड्रेस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका वेरीफिकेशन। वेरीफिकेशन में आप टिक कर दीजिए आई हियर बाय सॉमली एफ्रीमेंट डिक्लेयर, टिक कर लीजिए। फिर नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, आप जो ऑथराइज पर्सन का जो नाम दिया था उनका डिटेल्स दिया था, पासपोर्ट फोटो अपलोड किया था, वो आप नाम वहाँ में सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आपका प्लेस दे दीजिए, उनका डेजिग्नेशन भी हमें आ जाएगा अब अगर आप नाम सेलेक्ट करते उन। उसके बाद आप सबमिट विद DSC, जिसमें डिजिटल सिग्नेटरी कोड है, वो आप अपलोड करने के बाद सबमिट विद सिग्नेचर दे दीजिए। दैट्स इट, आपका फाइनल एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा।